यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो। कुछ लोग रास्ता पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा खड़ा करने लगे। गाइस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं हंगामा खड़ा करना। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। हंगामा खड़ा करना, इसे हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं कॉज अ सीन, कॉज अ सीन। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है कॉज अ सीन और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो कॉज देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि कॉज, कॉज्ड, कॉजिंग, कॉजेस, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो यहाँ हंगामा खड़ा करने आया था। ही केम हियर टू कॉज अ सीन, ही केम हियर टू कॉज अ सीन। यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो। डोंट कॉज अ सीन हियर, डोंट कॉज अ सीन हियर। मेरी मम्मी ने जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दी। माई मदर कॉज्ड अ सीन ओवर सॉल्ट स्टैपल्स, माई मदर कॉज्ड अ सीन ओवर सॉल्ट स्टैपल्स। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा खड़ा करने लगे। ऑन द इशू ऑफ इन्फ्लेशन द लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन स्टार्टेड कॉजिंग अ सीन, ऑन द इशू ऑफ इन्फ्लेशन द लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन स्टार्टेड कॉजिंग अ सीन। क्या वो चाहती है कि मैं यहाँ हंगामा खड़ा करूँ? Does she want to meet to cause a scene here? Does she want to meet to cause a scene here? वो बार बार हंगामा खड़ा कर रहा था। He was causing a scene again and again. He was causing a scene again and again. कुछ लोग रास्ता पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। Some people are causing a scene on the road. Some people are causing a scene on the road.